गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप कि आपने यूनिट नंबर 1 है वो अच्छे से उसका वीडियो है वो अच्छे से देखा होगा और आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 4th यूनिट नंबर 2, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। साइंटिस्ट तो आपको पता ही है, साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक है, एंड इन्वेंशन साइंटिस्ट होता है उसके साथ साथ कोई ना कोई इन्वेंशन होती ही है, कोई ना कोई शोध होती ही है। अगर साइंटिस्ट है और वो कुछ ऐसा रिसर्च ना करे, कुछ ऐसा न्यू बनाए नहीं, कुछ इन्वेस्ट ना करे, तो वो साइंटिस्ट नहीं होता। तो इस लेसन में आपको पढ़ना है साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। बहुत सारे साइंटिस्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है और उसने ऐसा क्या इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से हम ऐसी कंफर्टेबल और सिंपल सी लाइफ है वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको हमारे इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्ट है उसके बारे में जानना है और उसके इन्वेंशन के बारे में जानना है। पर वो जानने से पहले इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड है वो आपको जानने हैं और उसका मीनिंग क्या होता है वो आपको देखने हैं, तो वो पहले देख लीजिए। ये न्यू वर्ड्स है चैप्टर नंबर 2 के, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। तो उसमें फर्स्ट है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का तो सबको पता है, साइंटिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो सब वैज्ञानिक है, जो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ न्यू ऐसा कुछ सोचता है कि इसमें से कुछ न्यू मुझे मिल सकता है जानने के लिए, जो हम आम इंसान है वो नहीं सोच सकते, वो एक साइंटिस्ट होता है वो सोच सकता है। फिर सेकेंड है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मीनिंग टू मेक दैट हैज़ नेवर बीन मेड और यूज्ड बिफोर। इन्वेंशन यानी कि ऐसी चीज़ जो दुनिया में कभी पहले थी नहीं और जिसे हमने कभी यूज़ किया नहीं था। मान लो कि टीवी है, वो पहले दुनिया में कभी भी नहीं थी, फिर कोई इंसान है, कोई साइंटिस्ट है, उसने उसे बनाया और आज हम सब लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसे एक इन्वेंशन कहा जा सकता है। तो इन्वेंशन यानी कि टू मेक दैट हैज़ नेवर बीन मेड और यूज्ड बिफोर। ऐसी चीज़ जो दुनिया में पहले थी नहीं और आपने कभी यूज़ भी नहीं की थी। नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी कि नीड और वॉन्ट। नेसेसिटी यानी कि नीड और वॉन्ट, या तो आपको कुछ चाहिए, वॉन्ट यानी कि चाहिए, कुछ आपको चाहिए। करियस। करियस यानी कि इंटरेस्टेड एंड वॉन्ट टू नो। करियस यानी कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ भी न्यू चीज़ है उसके बारे में जानने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो करियस का मीनिंग होगा इंटरेस्टेड एंड वॉन्ट टू नो। फिर फिफ्थ है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स इन डिटेल। अगर आपको कुछ भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो आप एक्सप्लोर भी बोल सकते हो। फिर सिक्स है न्यूमेरस। न्यूमेरस यानी कि मैनी नंबर्स, एक से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो उसे आप न्यूमेरस बोल सकते हो। सेवन्थ है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि फॉर्मेशन। आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मेट चाहिए या तो किसी भी चीज़ को एकदम इन्फॉर्मेशन डीपली जानना है तो उसके लिए आप एस्टैब्लिश वर्ड है वो यूज़ कर सकते हो। फिर एट है अचीवमेंट। अचीवमेंट का टू अचीव टू गेट। आपको कुछ मिला है, कुछ ऐसा कि जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, तो आप बोल सकते हो कि आई अचीवमेंट। मान लो कि आपको क्लास में सारे स्टूडेंट में से अगर आप फर्स्ट नंबर पे आते हो तो आप सबसे अलग हो। सब लोग तो पास हो ही गए पर आप सबसे अलग हो, आप फर्स्ट नंबर टॉप पे हो, हाईएस्ट हो, तो उसको आप अचीवमेंट बोल सकते हो। फिर नाइन्थ है एस्ट्रोनॉमर। अ पर्सन हु स्टडी अबाउट स्टार। एस्ट्रोनॉमर किसे बोलते हैं? जो पर्सन है वो लिटिल लिटिल स्टार है स्काई में, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम एस्ट्रोनॉमर बोल सकते हैं। फिर 10 है लॉन्चिंग। लॉन्चिंग यानी कि टू स्टार्ट। कोई भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लॉन्चिंग बोलते हैं। आप सबको पता ही है कि जब भी कोई रॉकेट है उसको हम अवकाश में छोड़ते हैं तभी बोलते हैं इट इज़ टाइम टू लॉन्चिंग टाइम। तो ये कुछ 10 थे, न्यू वर्ड्स थे, एक बार फिर से देख लीजिए। साइंटिस्ट, इन्वेंशन, नेसेसिटी, कर्शियल, एक्सप्लोर, न्यूमेरस, एस्टेब्लिश, अचीवमेंट, एस्ट्रोनॉमर और लॉन्चिंग। तो ये आपने न्यू वर्ड्स देख लिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन। यूनिट नंबर 2, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। साइंटिस्ट और उनका इन्वेंशन। उसमें एक्टिविटी फर्स्ट पार्ट 1, फेमस इंडियन साइंटिस्ट। यहाँ पे हमको
इस चैप्टर में इंडिया के जो फेमस है, जो बहुत ही विख्यात है वैसे साइंटिस्ट है, उसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट है, नेसेसिटी इज सेड टू बी मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी यानी कि जरूरियात, यस नीड। तो जरूरियात जो हमारी ज़रूरत है वो कहती है कि जो इन्वेंशन है वो हमारी एक टाइप की माता है, मदर्स यानी कि माता है। अगर हम इन्वेंशन कुछ न्यू सोच ही सर्चिंग भी नहीं करेंगे, कुछ न्यू जानेंगे ही नहीं, तो क्या होगा लाइफ में। तो इसलिए नेसेसिटी ज़रूरियत है वो ऐसा कहती है कि इन्वेंशन है वो हमारी मदर है। साइंटिस्ट आर कर्शर टू नो द एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेसेस अराउंड देम। साइंटिस्ट है वो एक साइंटिस्ट है वो कुछ अलग अलग एक्सप्लोर यानी कि कुछ अलग अलग चीज है वो जानने के बारे में एकदम उत्सुक ही रहते हैं हर बार। वो ऐसी ऐसी चीज होती है जहाँ से उसको कुछ जानने को मिले तो उसके आसपास हमेशा वो रहते हैं। वी इंजॉय ऑल द कम्फर्ट ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टूडे। वी इंजॉय ऑल ऑफ द कम्फर्ट ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टूडे। हम सब या आज जो कंफर्टेबल और नॉलेजेबल लाइफ जी रहे हैं वो सब और सब किसकी वजह से, हमारे साइंटिस्ट की वजह से, क्योंकि वो सब ने ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया जिससे हम इजीली सिंपल सा और हमारी लाइफ को आसानी से जी रहे हैं। दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट एंड सक्सेस ऑफ न्यूमेरस साइंटिस्ट इन्वेंशन। ये कुछ भी पॉसिबल नहीं, ये हमारी कंफर्टेबल लाइफ है, नॉलेजेबल लाइफ है, एकदम सिंपल सी लाइफ है, इंजॉयबल लाइफ है, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं होती जो न्यूमेरस साइंटिस्ट इन्वेंशन, जो बहुत सारे एक से ज़्यादा बहुत सारे साइंटिस्ट ने अगर इन्वेंशन नहीं किया होगा, कुछ रिसर्च नहीं किया होता, तो ये हमारी कंफर्टेबल लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती। तो ये पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बताया था कि साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होती है, और जरूरियात है कि इन्वेंशन करते जाओ क्योंकि वो हमारी मदर्स के समान है। और फिर साइंटिस्ट है वो एक से ज्यादा साइंटिस्ट है, उसने अपने अलग अलग इन्वेंशन से कैसे हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और नॉलेजेबल बनाया। अब सेकंड पैराग्राफ, सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर। इंडिया के जो फेमस साइंटिस्ट है उसके बारे में बताया है। तो उसमें फर्स्ट है आर्यभट्ट, सेकंड है चाणक्य, थर्ड है सीवी रमन, फोर्थ है एपीजे अब्दुल कलाम, फिफ्थ है सीआर राव, सिक्स है विक्रम साराभाई, सेवन है होमी भाभा एंड मेनी मोर। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के जो फेमस साइंटिस्ट है उसके बारे में बात हुई है, आर्यभट्ट है, चाणक्य है, सीवी रमन है, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मेनी मोर, बहुत सारे। लेट अस रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। तो अब हम जो इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है विक्रम साराभाई, वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 इन अ जैन फैमिली। विक्रम साराभाई है वो अहमदाबाद में बॉर्न हुए थे कब, 12 अगस्त 1919 में इन अ जैन फैमिली। जैन फैमिली में 12 अगस्त 1919 में विक्रम साराभाई अहमदाबाद में बॉर्न हुए थे। द एस्टेब्लिश ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। एस्टेब्लिश यानी कि आप सबको पता ही है कि उसने एक ऐसी इंफॉर्मेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है उसको बनाया था, और उसने उसका ग्रेट अचीवमेंट, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि अगर इसरो है उसे क्रिएट करने वाला है, और जो हमारी इंडिया की पहचान है इसरो, उसको क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो वो है विक्रम साराभाई। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जो फेमस साइंटिस्ट थे उनको भी सेटिंग अप किसमें उन्होंने हेल्प की थी, फर्स्ट रॉकेट जब लॉन्च होने जा रहा था इंडिया का तो उनको भी सेटिंग जो करना होता है उसमें उन्होंने हेल्प की थी। फिर सेकंड है, आप सब ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जाना तो सही कि चलो वो अहमदाबाद में उसका बॉर्न हुआ था, फिर वो उन्होंने इसरो को बनाया है, फिर उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा को फर्स्ट टाइम जो लॉन्चिंग हो रहा था रॉकेट उसमें हेल्प की है, पर क्या आप उसको जानते हैं, आपने उसको उसकी फ़ोटो देखी है? तो पहले आप देख लीजिए डॉक्टर विक्रम साराभाई की फ़ोटो।
ये तीन फोटो है, ये तीन फोटो में से जो लास्ट में है ये थर्ड वाले, वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो अब आपने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में देख लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तो डॉक्टर होमी भाभा वो कौन है? ये फोटो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें थर्ड है वो तो आप सबको पता चल गया कि विक्रम साराभाई, ये सेकंड है वो डॉक्टर होमी भाभा है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाइडली रिगार्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। वो इंडिया के फादर्स, इंडिया में फादर्स कहे जाते हैं किसके? न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम, न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम जो बॉम्ब है, अणु बॉम्ब है वो सब बनाते हैं, और उसके जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं वो डॉक्टर होमी भाभा ने बनाए थे, तो इसलिए उनको इंडिया के न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर भी कहा जाता है। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके अलावा वो इंडियन न्यूक्लियर के फिजिस्ट थे, फाउंडिंग डायरेक्टर थे और प्रोफेसर भी थे। कहाँ के? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, वहाँ के प्रोफेसर भी थे, फिजिस्ट भी थे और फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे। फिर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट है वो इंडियन के मैथमेटिशियन, यानी कि जो मैथ्स के बारे में हर बार रिसर्च करते रहते हैं कि अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या मिलेगा, फिर ये वैल्यू को मैं अगर यहाँ से डिक्रीज कर दूँ तो इसका आंसर क्या मिलेगा। तो मैथ्स के बारे में अलग अलग जो इन्वेंशन करते हैं उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो स्काई में स्टार है छोटे छोटे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लस वैल्यू सिस्टम इन मैथ्स। तो उन्होंने मैथ्स में सबसे पहले जीरो की वैल्यू अगर इस पूरे वर्ल्ड में कोई किसी ने भी बताई कि जीरो की वैल्यू ये होती है तो वो है आर्यभट्ट। आप जानते ही होंगे कि अगर जीरो नहीं होता, जीरो के बारे में हमें पता ही नहीं होता तो हमारे नंबर्स काउंटिंग कहाँ तक होते, सोचो जरा। 1 to 9, क्योंकि उसके बाद 10 नहीं आता, 10 नहीं आता तो हमें 11, 12, 13 नहीं पता चलता, फिर 20, 30, 40, 50, 60, अप टू मेनी मोर। तो अगर जीरो नहीं होता तो मैथ्स में हम 1 टू 9 तक की वैल्यू ही पढ़ पाते। तो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने हमारे देश में आर्यभट्ट है उसने सबसे ज़्यादा जीरो की वैल्यू, यानी कि वो मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। उसकी फ़ोटो अभी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ईयर पहले हो गए थे, तो इस आपकी बुक में आर्यभट्ट की फ़ोटो नहीं डिक्लेयर की है। सर चंद्रशेखर वेंकटारमन। सर चंद्रशेखर वेंकटारमन वॉज एन इंडियन फिजिस्ट। डॉक्टर होमी भाभा थे वो भी इंडियन फिजिस्ट थे, और ये सीवी रमन वो भी एक इंडियन फिजिस्टेंट थे। उसकी भी फोटो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में दिखाई दी गई है। ये है विक्रम साराभाई, ये डॉक्टर होमी भाभा, और ये थर्ड है वो डॉक्टर सीवी रमन है। सर चंद्रशेखर वेंकटारमन वॉज एन इंडियन फिजिशियन। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। उनको अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1930 को, फॉर हिज डिस्कवरी इन फिजिक्स नो एज द रमन इफेक्ट। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो डिस्कवरी में दिखाए जाते हैं वो उन्होंने रमन इफेक्ट को जो डिक्लेयर किया था, इसलिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। तो आपने ये एक्टिविटी 2 में तो सिर्फ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फाइंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस राइट इन द स्पेस प्रोवाइड बिलो। तो क्या करना है, एक्टिविटी 2 में आपने फोटो तो आपको पता चल ही गए कि ये फर्स्ट है वो सीवी रमन का है, सेकेंड है वो डॉक्टर होमी भाभा का है, और थर्ड है वो विक्रम साराभाई का है। तो वो तो आपको पता चल गया है, पर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस में वो आपको गूगल से सर्च करना है, या तो फिर आप अपने एल्डर्स हो उससे पूछो, क्योंकि अगर आप अपने आप से करोगे तो आपको साइंस के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फोटोज़ तो आपको पता चल गई है, आपको नेम भी पता चल गया है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको या तो इंटरनेट से या तो फिर अपने एल्डर्स से उसके कंट्रीब्यूशन है वो जानने हैं। और यहाँ पे तो स्पेस दी गई है उसमें लिखना है, पर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपको
अपनी रफ बुक है उसमें लिखना है। देखो मैंने लिखा है, फर्स्ट है सर सी वी रमन, सेकेंड है वो डॉक्टर होमी भाभा, और थर्ड है विक्रम साराभाई। फिर उसके कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे आपको लाइनिंग करके अपनी रफ बुक में लिखना है, और यही एक आपका होमवर्क है पार्ट वन में से। तो पहले आप इस पार्ट वन को अच्छे से समझिए, फिर इसको अच्छे से एकदम से अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि ये है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट। फिर उसके बारे में आपको कुछ न्यू इनोवेटिव जानना है तो आपने इंटरनेट के सर्च माध्यम से सर्च करें और ये तीनों बॉक्स से वो कंप्लीट करें। फिर है एक्टिविटी थ्री, ये भी आपको होमवर्क में करनी है। एक्टिविटी थ्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके आपको आंसर देने हैं, वो भी आपको रफ बुक में लिखने हैं। इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए फिर आंसर आपको रफ बुक में लिखने हैं। तो फर्स्ट है लिस्ट द नेम ऑफ एनी थ्री साइंटिस्ट, कोई भी तीन साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं। तो ये तो आपने पार्ट वन में देखा ही कि कौन कौन से आपको बहुत सारे 7 या 8 साइंटिस्ट के नेम बताए हैं। तो उसमें से आप कोई भी आपको मनपसंद साइंटिस्ट हो उसके बारे में आप सर्च कर लीजिए और उसके नेम यहाँ पे लिख दीजिए। फिर सेकंड है व्हाट डू साइंटिस्ट डू, साइंटिस्ट को क्या करना पसंद होता है। तो वो भी आपको पता ही है कि साइंटिस्ट को तो इन्वेस्ट करना पसंद है, तो आपको वो सिर्फ इन्वेंशन ही है, वो आंसर यहाँ पे लिखना है। थर्ड है फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूमरस एंड डिस्कवरी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, न्यूमरस और डिस्कवरी का मीनिंग वो भी मैंने न्यू वर्ड्स में बता दिया है। तो आप उसमें से पहले आगे जाइए, वीडियो देखिए, उसमें से लिख लीजिएगा। तो ये पूरा आपका होमवर्क है, आपको तीन साइंटिस्ट है उसके कंट्रीब्यूशन है वो लिखने हैं, और ये तीनों क्वेश्चन है उसके आंसर आपको होमवर्क में लिखने हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने पार्ट वन में देखा कि कौन कौन से इंडिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन से इन्वेंशन किए हैं और उनको कौन से प्राइजेस मिले हैं और क्या उनका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो अब आप पार्ट टू में देखेंगे फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। ऐसा तो क्या था कि जो फेमस हो गया इस डिस्कवरीज में और इसका इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर हमारी लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट था, वो कहाँ का था, ग्रीक का था, ग्रीक का एक आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट था। ही लिव्ड इन सीरेसिस नियरली 2000 ईयर अगो, वो कहाँ पे रहता था, सीरेसिस यानी कि एक सिटी का नेम है, वहाँ पे वो 2000 ईयर अगो उसके पहले वो रहता था। तो ये पूरी स्टोरी है वो 2000 ईयर अगो के पहले की बात हो रही है। द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वियर अ गोल्डन क्राउन, तो वहाँ का जो किंग था, सीरेसिस का जो किंग था, वो चाहता था कि वो अपने सर पे गोल्डन क्राउन यानी कि एक सोने का ताज पहन के रखे। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सूटेबल क्राउन, तो फिर इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा सा गोल्ड है वो निकाल के गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार होता है, जो सोने की सब चीज़ें बनाता है, गोल्ड की सब चीज़ें, उसको उसने थोड़ा सा सोना निकाल के दिया, किस लिए, क्राउन बनाने के लिए, अपना ताज बनाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद, द गोल्ड स्मिथ केम विथ द क्राउन टू द किंग, गोल्ड स्मिथ जो सुनार था वो आया और उसने आकर किंग को उसका ताज दिया। द क्राउन वॉज वेल, क्राउन वॉज वेट, क्राउन था वो बहुत ही वजनदार था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग, जो ताज का जो वेट था वो तो वैसा ही था जितना कि सोना राजा ने उस सुनार को दिया था। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन, किंग है वो ताज का फिर कलर देखता है। ही सस्पेक्ट दैट द गोल्ड स्मिथ हैज स्टोलन सम गोल्ड, पर उसको अचानक से शक हुआ कि कहीं ये सुनार ने इसमें से थोड़ा सा सोना चुरा तो नहीं लिया, स्टोलन यानी कि चोरी करना, चुरा तो नहीं लिया। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर किंग है वो एकदम पक्का नहीं था, उसे एकदम श्योरली पता नहीं था कि गोल्ड स्मिथ ने कुछ सोना है वो चुरा लिया है। तो यहाँ तक आपने क्या देखा,
कि एक ग्रीक साइंटिस्ट है, उसका नाम है आर्चिमेड है, वो एक सिरेशिस नाम का सिटी है उसमें रहता है, और ये 2000 ईयर अगो की बात है। वहाँ का एक राजा है, उसको बहुत ही अंदर से एकदम से उत्सुक था और उसको बहुत ही इच्छा थी कि वो भी एक सोने का ताज पहने। तो उसने क्या किया, एक सुनार को बुलाया अपने अपने फोर्ट में, और फिर क्या किया कि उसको थोड़ा सा गोल्ड दे दिया और बोला कि जाओ इस गोल्ड से मेरे लिए अच्छा सा ताज बना के आओ। कुछ दिनों के बाद वो सुनार आया और उसने राजा को अपना जो क्राउन था, ताज था, वो बना के दिया। पर राजा को क्या लगा कि कहीं ये सुनार ने इसमें से थोड़ा सा सोना है वो चुरा तो नहीं लिया। पर वो राजा एकदम बात में वो पक्का नहीं था। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, तो इसलिए किंग क्या चाहता था कि उसको उसका पता चले कि क्या इसमें से सुनार ने थोड़ा सा सोना है वो चुरा लिया है या फिर उसने सारा सोना है वो इसमें यूज कर लिया है। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्चिमेड टू फाइंड आउट, और इसलिए उसने किसको बुलाया, उसके कोर्ट में जो साइंटिस्ट रहता था आर्चिमेड, उसको बुलाया और उसे बोला कि तुम इसके बारे में रिसर्च करो, तुम मुझे बताओ कि क्या इस सुनार ने इसमें से सोना को चुरा लिया है या फिर पूरा इसने यूज कर लिया है। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टोलन, और किंग ने उसे बोला कि तुम ये सर्च करो कि इसमें से उसने सोना कितना चुराया है। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो कैसे फाइंड आउट तुम करोगे, ऐसा पूछता है किंग। आर्चिमेड थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, आर्चिमेड है वो इस प्रॉब्लम के बारे में पूरा दिन और रात सोचने लगता है। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ, एक दिन क्या होता है कि वो अपना बाथ लेने नहाने के लिए जा रहा है। बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, पर वो क्या है, बिजी थिंकिंग, वो सोचने में बिजी है। क्या सोचने में, ये सोचने में कि क्या सुनार ने उस ताज में से सोना चुराया है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि सुनार ने उसमें से सोना चुराया है या नहीं चुराया है। वो ही डिड नॉट नोटिस द बाथटब, ये सब कुछ सोचने में वो इतना बिजी होता है कि सामने बाथटब है उसे वो देखता नहीं है और उसे नोटिस नहीं करता है। द वॉटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम, जो बाथटब में जो वॉटर था सो स्टूडेंट, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि पार्ट टू का कि एक आर्चिमेड नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट है, वो सीरियस गांव है वहाँ पे 2000 ईयर अगो पहले रहता था, वहाँ का राजा था, उसको बहुत ही इच्छा थी कि वो भी गोल्डन क्राउन पहने, तो इसलिए उसने सुनार को बुलाया और उसको थोड़ा सा गोल्ड दिया। फिर थोड़े दिन के बाद वो सुनार है वो राजा के लिए क्राउन बना के लेके आता है और राजा वो देख के खुश भी हो जाता है, राजा को वो अच्छा लगता है। पर फिर राजा को विचार आता है कि कहीं सुनार ने इसमें से थोड़ा सा सोना चुरा तो नहीं लिया है, तो इसलिए उसको डाउट होता है। तो वो अपना डाउट है वो क्लियर करने के लिए जो साइंटिस्ट है आर्चिमेड उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम कुछ भी करके फाइंड करो कि क्या सुनार ने इसमें से थोड़ा सा सोना है वो चुरा लिया है, स्टोलन किया है या नहीं। तो वो आर्चिमेड है वो ये पूरी दिन और रात वो सोचने ही लगता है कि क्या सुनार ने अगर सोना चुराया है तो कैसे चुराया होगा। वो फाइंड आउट करता है कि एक दिन वो नहाने के लिए जाता है पर वो इस सोच में बिजी रहता है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि सुनार ने चोरी की है या नहीं की है। वो इस सोच में चलता ही जा रहा है कि रास्ते में जो बाथटब है वो भी उसको दिखाई नहीं देता है। तो वो क्या होता है कि बाथटब है उसको भी वो नोटिस नहीं करता है, वहाँ तक हमने देखा था, अब हम आगे देखते हैं। द वॉटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम, जो बाथटब का जो बाथटब है उसमें पानी है वो एकदम पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। ही स्लाइड इन टू द बाथटब, वो बाथटब में उसने बाथटब को नोटिस ही नहीं किया था इसलिए स्लाइड इन टू द बाथटब, वो बाथटब में गिर गया। इमिडिएटली अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वॉटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथटब, कि तुरंत ही जैसे ही वो बाथटब में गिरा, इमिडिएटली तुरंत ही अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द वॉटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथटब, बाथटब में से बहुत सारी क्वान्टिटी थी पानी की वो बाहर चली गई। ही नोटिस हिज, ये उसने नोटिस किया, ये उसने देखा। सडनली, कब, अचानक। देयर वॉज अ फ्लैश इन माइंड, देयर वॉज अचानक उसके माइंड में फ्लैश यानी कि बत्ती चली, या तो उसको कोई न्यू विचार आया।
ही जंप्ड आउट द बाथटब। जैसे ही उसने कुछ उसके दिमाग में बत्ती चली, उसको कुछ विचार आया, ही जंप्ड आउट द बाथटब। उसने ना बाथटब से जंप किया, बाथटब से बाहर निकल गया। शाउटिंग, चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका यूरेका, इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। क्या चिल्लाने लगा? यूरेका यूरेका यूरेका, इन ग्रीक मीन्स, ग्रीक में वो ऐसे कुछ अपनी ग्रीक लैंग्वेज में बोलने लगा कि यूरेका यूरेका यूरेका, तो उसका मीनिंग होता है आई हैव फाउंड इट, मुझे वो मिल गया, मुझे वो मिल गया। क्या मिल गया? उसे वो आइडिया मिल गया कि वो कैसे फाउंड करेगा कि फुनार ने चोरी की है या नहीं की है। वो कैसे आइडिया मिला वो देखते हैं। थस इट वॉज फाउंड दैट डिफरेंट मेटल ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। कैसे उसको पता चला कि अगर आप कोई भी चीज़ है वो मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट है, मेटल से वो डिफरेंट है, वेट तो उसका सेम, उसकी वॉल्यूम भी डिफरेंट है, पर सेम कैसे, वेट कैसा होगा? सेम ही होगा। मान लो कि अगर आपने कोई सोने की चीज बनाने के लिए रखी है, आपने 100 ग्राम सोना लिया है और 100 ग्राम सोने में से आपने कुछ बनाने के लिए दिया। मान लो कि आपने इयररिंग्स बनाने के लिए दिया है या तो फिर रिंग्स बनाने के लिए दिया है, कुछ भी बनाने के लिए आपने दिया है, तो जब आप 100 ग्राम सोना है वो आप सुनार को दोगे तो वो पहले तो उसका वजन करेगा कि ये 100 ग्राम है। फिर जब आप रिटर्न्स, जब आपकी वो चीज़ है वो बन जाती है, लेने जाते हो, तब भी वो उसका वेट करता है। तो उसी दोनों टाइम पे क्या होता है? पहले है वो सोना होता है एकदम सा प्लेन साइज में, फिर उसको वो शेप देता है आपने जो भी चीज़ बनाने के लिए दी है उसने, तो वो डिफरेंट मेटल डिफरेंट वॉल्यूम। पहले एकदम प्लेन था, प्लेट में एकदम सोना 100 ग्राम्स था, फिर उसमें डिफरेंट वॉल्यूम, आपने उसमें से कुछ न्यू चीज़ बनाई है, ज्वेलरी बनाई है, पर उसका वेट कैसा होगा? सेम होगा। डिफरेंट मेटल होगी, डिफरेंट वॉल्यूम होगी, पर जब भी आप उसका वेट करोगे तो वेट क्या होगा? सेम होगा। आपने 100 ग्राम्स गोल्ड दिया था सुनार को, तो जब आप कुछ भी चीज़ उससे बना के वापस लोगे तो वो चीज़ का वेट भी 100 ग्राम्स ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें दिखने में थोड़ा डिफरेंट होगा, मेटल और वॉल्यूम से दोनों चेंजेस होंगे। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर। तो उसने क्या, उसने सोचा कि अगर हम कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो उतना ही पानी, डिस्प्लेस वाटर, उतना ही पानी जितना वो चीज़ का वॉल्यूम है उतना ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लो कि आपने कोई पानी का ग्लास भरा है और उसमें एक छोटी सी बॉल है, वो आपने डाल दी। जैसे ही वो बॉल डालोगे तो बॉल की जितनी साइज होगी उतनी, और आपने ग्लास आधा भरा है तो आधा ग्लास से पानी पानी है वो बाहर निकलेगा, ऐसा तो नहीं है कि उससे ज़्यादा पानी आएगा। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं जो राजा का जो क्राउन है, ताज है, उससे भी पानी में डालूँ, और राजा ने जितना सोना सुनार को दिया था उसे भी पानी में डालूँ तो पानी तो उतना ही बाहर निकलेगा। सोचा आपने? मान लो कि एक टब में, बाथटब में वो पानी भरता है, दूसरे बाथटब में भी वो पानी भरता है, पानी भर के एक बाथटब में जितना सोना राजा ने सुनार को दिया था उतना डालेगा, और दूसरे बाथटब में वो राजा को जो सुनार ने क्राउन दिया है वो डालेगा। फिर जो अगर राजा ने जितना सोना दिया था उसमें से जितना पानी निकलेगा उतना ही पानी अगर ये क्राउन वाले बाथटब में से निकलेगा, तो दोनों की वॉल्यूम है, दोनों की जो मेटल है वो दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट है, पर वेट अगर सेम होगा तो पानी दोनों में से सेम ही निकलेगा। अगर सुनार ने चोरी नहीं की है तो दोनों बाथटब में से पानी सेम निकलेगा, अगर सुनार ने चोरी की है तो क्राउन वाले बाथटब में से पानी है वो ज्यादा निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर गिरेगा। तो आपको इस स्टोरी में आगे तो बताया नहीं है, देखो ये है आर्चमैन, वो पानी में गिरा तो उसको ये ताज के बारे में आइडिया आया। तो इस स्टोरी में आपको ये तो नहीं बताया गया है कि आगे क्या हुआ, आर्चमैन ने कैसे राजा के सामने एक्सप्लेन किया कि ये क्राउन में से चोरी हुई है या नहीं हुई है, वो गोल्डन स्मिथ ने चोरी की है या नहीं की है, पर इससे आपको इस स्टोरी में से इतना जानने को मिला कि मेटल और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट क्यों ना हो।
पर उसकी जो वेट है वो हमेशा सेम ही रहती है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको, 100 ग्राम्स गोल्ड लो और उसको कोई सुनार के वहाँ पे रखो, कोई भी चीज़ उससे बनाओ, फिर वापस से उसका वेट करोगे तो वो चीज़ बनी होगी तब भी वो 100 ग्राम्स की ही होगी। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया ही है आपको कि अगर आप एक पानी के ग्लास में बोल डालोगे आधा ग्लास भर के, तो पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना कि आपने ग्लास में पानी भरा है। तो बस इस स्टोरी में तो सिर्फ आपको इतना ही जानने का था कि जब भी डिफरेंट मेटल्स होती है डिफरेंट वॉल्यूम्स होता है, पर उसकी वेट है वो ऑलवेज सेम होती है। तो आपने पहली वाली वीडियो देखी, ये स्टोरी 2 थी, पार्ट 2 था फेमस डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन। तो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1, सेकंड वीडियो में भी आपने पार्ट 2 आधा और पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 आधा है तो वो देख लिया। तो फर्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैंने थोड़ा सा आपको होमवर्क दिया था, और पार्ट 2 का थोड़ा सा होमवर्क है तो उसमें एक्टिविटी 7 है, माई हीरो साइंटिस्ट। मेरा हीरो है वो साइंटिस्ट है, कोई भी आप साइंटिस्ट को ले सकते हो जो आपको पसंद है, जिसका इन्वेंशन करना वो आपको पसंद है, वो आप कोई भी अपने फेवरेट साइंटिस्ट को ले सकते हो। राइट द डिटेल ऑफ योर फेवरेट साइंटिस्ट, आपको यहाँ पे अपना फेवरेट साइंटिस्ट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। डिस्कस द डिटेल ऑफ द सेम विथ योर टीचर एंड फ्रेंड इन क्लास, और फिर आपको क्या करना है कि या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या तो अपने टीचर्स के साथ ये आपने जो लिखा है अपने फेवरेट हीरो साइंटिस्ट के बारे में वो डिस्कस करना है। पर अभी आपको क्या करना है, रफ बुक में ये पूरा लिखना है और अपने पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करना है कि मेरा ये फेवरेट साइंटिस्ट है और मुझे इसका ये कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा लगता है। तो फर्स्ट है नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट आपको पसंद है उसका नेम लिखना है। लाइफ स्पान, उसके लाइफ में से क्या गोल है वो आपको लिखना है, उसे देखकर आपकी लाइफ में क्या आपको गोल करना है, आपको क्या पाना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्लेस एंड ओरिजिन, उसका प्लेस कहाँ पे है और वो कहाँ पे बर्थ उसका बोर्न हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है। फिर फोर्थ है इन्वेंशन और कंट्रीब्यूशन, आपके जो फेवरेट साइंटिस्ट है उसने क्या इन्वेंशन किया है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको अच्छा लगा तो वो यहाँ पे लिखना है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे 4 चीज़ें लिखनी है, पहला तो नेम लिखना है साइंटिस्ट का, फिर उसकी लाइफ स्पान लिखनी है, प्लेस और ओरिजिन लिखना है, और फोर्थ है इन्वेंशन और कंट्रीब्यूशन। तो बस इतना सा होमवर्क करना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर है साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।